गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ चैप्टर 11। सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 पैसे। 10 पैसे दिस इक्वल टू डॉट 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 परसेंट ऑफ अ रुपी, यानी कि 10 पैसा ये क्या होता है, रुपी का कितना परसेंट होता है। तो 10 पैसे में हम जानते हैं कि 10 पैसा इक्वल टू 10/100 होता है, 10/100 रुपी। ओके, 10/100 रुपी, यानी कि 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपी। ठीक है, तो 2 पैसा इक्वल टू 2/100 रुपी। ओके, तो यहाँ पे 10 पैसा इक्वल टू 10/100, जब भी नीचे 100 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि ये क्या है, जो भी ऊपर वैल्यू दिया है, ठीक है, 10 वही परसेंटेज हो जाएगा, 10% ऑफ अ रूपी। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लीजिए दिया हो 75 पैसे, 75 पैसे, तो दिस इक्वल टू 75% ऑफ अ रूपी, ये हो जाएगा। ओके, इस तरह से जैसे थर्ड दिया हो 50 पैसे, 50 पैसे, तो क्या हो जाएगा, 50% ऑफ अ रुपी, एक रुपी का ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, डॉट स्पेस दिया है और कह रहा है कि परसेंट ऑफ अ मीटर, ये 1 मीटर का कितना परसेंट होगा। तो 60 सेंटीमीटर में क्या होता है, 60 सेंटीमीटर में 60/100 मीटर होता है। ओके, 60/100 मीटर, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 60% ऑफ अ मीटर हो जाएगा। जैसे फोर्थ दिया है 80/100 मीटर, दिस इक्वल टू 80/100। ओके, दिस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 80/100 मीटर आ परसेंट ऑफ अ किलोमीटर, 800 मीटर में 800/1000 किलोमीटर होता है। ओके, दिस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म, तो यहाँ पे 100 आ गया नीचे, 80/100 आ गया किलोमीटर। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 100 आ गया, इसका मतलब 80% ऑफ अ किलोमीटर। ओके, इस तरह से नीचे 100 हम लोग को लाना है। फिफ्थ दिया है 125 ग्राम, तो 125 ग्राम का मतलब 125/ क्या हो जाएगा, 1000 kg। ओके, तो यहाँ पे 1000 का मतलब 10 यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो 125/ लिख सकते हैं 100 × 10, तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12.5/100। ओके, तो इस तरह से कितना आ गया, 12.5% ऑफ अ किलोग्राम। ओके, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से चेंज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी हम सेटिंग करेंगे, नीचे किसी तरह से 100 लाना है हमको, ठीक ना, 100 ला के उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर जो भी वैल्यू होगा उतना परसेंट लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन दिया है 146 डेज इक्वल टू स्पेस स्पेस परसेंट ऑफ अ ईयर, तो इसको हम लिख सकते हैं 146 डेज इक्वल टू, लिखा जा सकता है 146/165 ईयर। ओके, तो इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट 146/165 × क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दीजिए। ओके, परसेंटेज ऑफ अ ईयर हो जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 × 3 = 15 5 × 20 = 100। ओके, 33 दिस इक्वल टू 146/20/33% ऑफ अ ईयर हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 0 2 6 = 12
ओके, 2 4 जा 8, 8 and 1 9, 2 1 जा 2, अपॉन 33% ऑफ अ ईयर। ओके, अब 33 से इसको हम डिवाइड करेंगे, दिस इक्वल टू 88.48% ऑफ अ ईयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज लाइक दिस। थैंक यू।